आज सवेरे सवेरे 3 बजे, रात को 3 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। पता आपको, किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। यही तो चक्कर है, ये टीवी वाले दिखाते नहीं है, हमें पता नहीं चलता। ये टीवी वाले आजकल सुबह से शाम तक मोदी मोदी आरती उतारते रहते हैं मोदी जी की, असलियत नहीं बताते। आज सवेरे 3 बजे प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया? एक राफेल घोटाला हुआ है। राफेल का नाम सुना है लोगों ने? कईयों ने नहीं सुना, उनकी जानकारी के लिए बता, राफेल एक हवाई जहाज का नाम है। लड़ाकू जहाज है, सेना खरीद रही है उस जहाज को, 600 करोड़ का जहाज है, हैं जी, 546, उनको ज्यादा पता है, 546 करोड़ का, मैंने तो 600 कह दिया, वो कह रहे हैं 546 करोड़ का जहाज है। उसको मोदी सरकार 1500 करोड़ में खरीद रही है। बताओ जी, 546 करोड़ का जहाज 1500 करोड़ में खरीद रहे, एक एक जहाज में हजार हजार करोड़ रुपए का घोटाला। 36 जहाज खरीद रहे हैं, 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला। अब ये सीबीआई का जो डायरेक्टर था, ये बेचारा ईमानदार आदमी था, इसने इस घोटाले की जांच करनी चालू कर दी। और सवेरे सवेरे आज 3 बजे, बताओ रात को 3 बजे सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये सोच रहा था मोदी जी सोते भी हैं कि नहीं सोते, रात को 3 बजे उसको सवेरे 8 बजे कर देते यार, 9 बजे दफ्तर खुलने के बाद कर देते। वो पता चला, वो आज सवेरे सीबीआई का डायरेक्टर केस दर्ज करने वाला था, सवेरे से इस घोटाले का केस दर्ज करने वाला था, मोदी जी ने रात को 3 बजे उसको सस्पेंड कर दिया। मोदी जी कहते हैं मैं ईमानदार हूं, ईमानदार है तो डरते क्यों हैं? मेरे ऊपर मोदी जी ने सीबीआई की रेड कराई, मैं तो नहीं डरा, मैं तो उनको सीबीआई वालों को रोटी खिलाई, खाना खिलाया, स्वागत किया, चाय पिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और पूरी सीबीआई की रेड के बाद केजरीवाल के घर क्या मिला? 4 मफलर मिले।